शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम तमाम उन गुरुओं को अपने तहे दिल से आज सलाम करता हूँ, और जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है उन गुरुओं को मैं सशक्त नमन करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अभी तक की उम्र में जितने सारे शिक्षक थे, मैं उन सबों शिक्षक को फिर दोबारा सलाम करना चाहता हूँ। मैं अपने तहे दिल से उन शिक्षकों को नमन करना चाहता हूँ। मैं उनके पास तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे न जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, रास्ते पर चलकर मैं आज इस मुकाम को हासिल किया। जो भी मेरे पास मुकाम है, मैं उन गुरुओं का देन है जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक लाने यहाँ पे लाके खड़ा किया है। उन गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन गुरुओं को हमेशा मैं अपने दिलों में बैठाता हूँ, और आज मैं भी जो भी हूँ बस उन गुरुओं का देन है जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। इस मुकाम को प्राप्ति करवाने में योगदान है उनका, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत आगे तक उनकी प्रेरणा मिला, और उनके मार्गदर्शन पर, उनके रास्ते पर चलकर मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि उन गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। साथियों, मैं आप सबों को कुछ शिक्षक दिवस पर कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। देखिए, गुरु जो होते हैं ना, वो दुनिया में सबसे महान होते हैं। और एक गुरु अपने शिष्य के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। ये गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर को तमिलनाडु राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और वो एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही बहुत मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई उनकी तो 10वीं तक की पढ़ाई तो उनके गांव में ही हुई, उसके बाद आगे कक्षा की पढ़ाई बाहर से हुई। उसके बाद आगे चलकर उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति बने और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए। एक शिक्षक, एक नेता, यानी इनके अंदर सारे गुण थे, इसीलिए इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम मनाते हैं। साथियों, भारत एक विश्वगुरु है, ये मानना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुना रहा हूं, क्यों विश्वगुरु है, क्यों नहीं बना। देखिए, 1994 की कहानी है, जब शंकर दयाल शर्मा विश्वगुरु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, भारत क्यों विश्वगुरु है। जब शंकर दयाल शर्मा 1994 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय कहीं विदेश पे दौरा था, और विदेश पर जब जाते थे तो प्रोटोकॉल होता है, उसको रूल होता है कि कोई राष्ट्रपति आते तो उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। ओमान एक राज्य कंट्री है, ओमान, वहां के राष्ट्रपति किसी को रिसीव करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन जब शंकर दयाल शर्मा ओमान जाता है तो वहां के राष्ट्रपति खुद इनको रिसीव करने के लिए आते हैं। वो भी रिसीव करने के लिए नहीं आते हैं, वो जिस फ्लाइट में थे वहां पे जाके उन सीट पर जाके उनको रिसीव करते हैं। और जब उस ओमान के एक राजा से पूछता है कि आपने इस सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिए, क्यों आप यानी कि शंकर दयाल शर्मा को रिसीव करने के लिए गए, तो उन्होंने जवाब देता है कि जिस समय मैं भारत में था, ओमान के व्यक्ति जो भारत में था राजा, तो उस समय प्रोफेसर शंकर दयाल शर्मा ने मुझे पढ़ाया था। मैं किसी राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए नहीं गया, मैं एक शिक्षक को रिसीव करने के लिए गया, मैं अपने शिक्षक को रिसीव करने के लिए गया, मैं ना कि किसी राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए गया। इसीलिए भारत को बोला जाता है विश्वगुरु, भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिया जाता है। साथियों, गुरु और शिष्य का एक पवित्र रिश्ता है, और इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए गुरु और शिष्य को हमेशा। अगर गुरु किसी शिष्य को डांटते हैं तो अपने लिए नहीं डांटते हैं, वो आपके लिए डांटते हैं भाई, कि आपका दिन बहुत अच्छा हो, आगे बहुत अच्छा बीते।
आपकी प्रथम गुरु जो होती है वो आपकी माँ होती है, प्रथम गुरु माँ होते हैं, उनके पास गुरु का ही स्थान होता है, उसके बाद गुरु का ही स्थान होता है, उसके बाद अगर आपके समक्ष भगवान और गुरु मिल जाए तो सबसे पहले गुरुओं का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु नहीं होते तो आप, क्योंकि माँ बाप का सिर्फ काम था जन्म देना, जन्म दिए, उसके बाद जो है आपके भविष्य को जिस तरह एक फूल की हिफाजत कांटे कर सकते हैं, उसी तरह एक शिष्य का हिफाजत एक गुरु ही कर सकते हैं। माली तो बाद में आते हैं, फूल का हिफाजत तो कांटे करते हैं, उसी तरह माँ बाप का तो सिर्फ जन्म होता है, उनका श्रेय मिलता है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनाने में एक गुरु का योगदान है। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे भी वो गुरु, जिस मैं नहीं आगे इतना बढ़ सकता था, लेकिन उन गुरुओं को सत सत में नमन करता हूँ, मेरे लिए जिंदगी में स्थान है अभी भी उनका, मेरे दिल में वो है और मैं उन गुरु को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं का दिल। और देखिए स्टूडेंट को हमेशा बढ़ने के लिए अपने आप से सोचना पड़ता है कैसे मैं आगे बढ़ूं। जो स्टूडेंट कल के लिए टालता है कल कभी नहीं आता है, जो स्टूडेंट परसों के लिए टालता है उसमें बरसों बीत जाता है, परसों के लिए जो टालेगा उसके लिए बरसों बीत जाएगा, और जो आज करेगा वही जिंदगी में राज करेगा, वही जिंदगी में राज करेगा। तो आपको आज करना है कि कल करना है कि परसों करना है, तो मैं शिष्य को सलाह देना चाहता हूँ कि हे शिष्य, हे छात्र, पूरे जितने छात्र हैं मैं सबों को सलाह देता हूँ, कल के लिए मत कभी टालिए। कल का मतलब होता है कल कभी होता ही नहीं है, परसों का मतलब होता है बरसों, यानी बरसों बीत जाएंगे कभी परसों आ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आज जो करेगा वही राज करेगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं आप सबों को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अगर ये आपको लगता है, अगर मान लीजिए कहीं पे कि नहीं गुरु से बढ़ के ही कोई है, तो आप मान सकते हैं, अपने आप को सोच सकते हैं, क्योंकि गुरु से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, गुरु गुरु होते हैं, गुरु भगवान से भी ऊँचा है, इसीलिए उन गुरुओं को मैं पुनः नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।